जौनपुर के क्राकत विधानसभा है जो कि सुरक्षित है, वहां से धीरज सिंह जी रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई वर्षों से जफराबाद विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, कई संगठनों से जुड़े हैं। अभी हाल ही में हमारा निषाद पार्टी के साथ राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन हुआ है। आप निषाद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन महाराणा प्रताप सेना एक सामाजिक संगठन था, है और आगे भी रहेगा। मैं हमेशा से कहा हूं कि मैं किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। महाराणा प्रताप सेना के व्यक्तियों को सदन में पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में 5 विधानसभा पे मैं अपना दावा, जिसमें जफराबाद विधानसभा को एकदम रिजर्व करता हूं धीरज सिंह के लिए, और महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ता तन के साथ, मन के साथ, धन के साथ 5 सीट पर पूरा चुनाव लड़ेंगे पूरी मजबूती के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए सेना का एक एक सेना का सैनिक संकल्पित है। उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था एकदम ठीक है, जैसे केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर महाराज जी बैठने का काम करेंगे। उनके हाथों को मजबूत करने के लिए धीरज सिंह आज से महाराणा प्रताप सेना के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की अपनी टीम बनाकर गांव-गांव में अपनी टीम के माध्यम से स्कूलों में चाहे मिड डे मील हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, वहां के सांसद विधायकों को उनके कार्य के प्रति सचेत करना भी इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, सुहेल देव साथ पार्टी और महाराणा प्रताप सेना निरंतर लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। हम अपने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष को आज बहुत शुभकामनाएं देते हैं और मंगल कामनाओं के साथ हम चाहेंगे कि ये 27 का चुनाव जीते भी और सरकार में मंत्री भी बने। क्योंकि सिंह सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी में कार्य था, अभी कृषि मंत्रालय में हूँ। अभी मैं कुछ महीनों में जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके मैं डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें मैं उनके साथ में हूँ। आज मैं हमारे महाराणा प्रताप सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बड़े भाई समान, उनके संगठन में आज हमको इनके द्वारा जो जवाबदारी मिली हुई है उसके लिए मैं महाराणा प्रताप सेना को, जितने भी पदाधिकारी जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक जुड़े हुए हैं संगठन से, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि जो महाराणा प्रताप सेना है ये 20 वर्षों से लगभग समाज में कार्यरत है, समाज के भावनाओं को, समाज के लोगों को, समाज के जो सरकार के द्वारा योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम महाराणा प्रताप विगत वर्षों से करता आ रहा है। बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो समाज के साथ में और महाराणा प्रताप जो क्षत्रिय समाज से सर्व समाज को लेकर के एक क्षत्रिय समाज का जो है प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन और वो सर्व समाज को लेकर के चल रहा है, इसके लिए हमको बहुत खुशी होती है। और इसी वजह से मैं भाई साहब के साथ में ज्वाइन हुआ, जुड़ा कि कम से कम ऐसे संगठन के साथ में रहो कि जो सर्व समाज के लिए के हित में काम कर रहा है। अनेकों भाई साहब के द्वारा समाज में, प्रदेशों में, ग्रामीणों तक अनेकों कार्य किया गया है, वो बाद में हम आपको बताएंगे। और अभी जो भाई साहब ने जवाबदारी दिया है उसके लिए मैं तन मन धन से संगठन के साथ में समर्पित रहूंगा, यही हमारी कामना है।